के दो अलग अलग थानों में श्री हॉलीडेज नामक कंपनी के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले दर्ज कराए गए हैं। इनमें कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन पर महंगी यात्राओं, हॉलीडे बुकिंग स्कीम, विदेशी यात्राओं और विदेशी मुद्रा विनिमय के नाम पर निवेशकों से कुल 1,72,08,500 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इनमें से एक मामला अंबाजरी और दूसरा तहसील थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस को संदेह है कि धोखाधड़ी में और भी मामले सामने आ सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी सुरेश चंद्र अग्रवाल को गोयल परिवार के सदस्यों ने उनके ट्रैवलिंग हॉलीडेज बुकिंग, इंटरनेशनल ट्रैवल्स और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस होने की बात कही तथा इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से बड़ा मुनाफा होगा ये झांसा देकर 2016 से अब तक उनसे लाखों रुपए ऐंठते रहे। आखिरकार सुरेश चंद्र को 59 लाख रुपए से ठगे जाने की बात ध्यान में आई। फिरियादी की शिकायत पर अंबाजरी पुलिस ने गोयल परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। इसी प्रकार से तहसील थाने में मस्का साथ इतवारी निवासी आशीष जितेंद्र जैन ने भी श्री हॉलीडेज के मालिकों के खिलाफ 1,13,08,500 रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। आशीष ने बताया कि आरोपियों ने दिसंबर 2014 से फरवरी 2018 में विदेशी यात्राओं और विदेशी मुद्रा विनिमय के नाम पर कुल 2,29,90,000 रुपए उधार लिए थे। इसके लिए आरोपियों ने कभी उनसे कैश तो कभी चेक लिया। हालांकि पहले तो उन्होंने अपने लाभ के हिस्से के रूप में 1,16,81,500 रुपए वापस कर दिए, लेकिन इसके बाद में आरोपियों ने लाभ साझा करना बंद कर दिया और शेष राशि का भुगतान करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद भी आशीष अपनी रकम वापस लेने के लिए लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन आरोपियों ने पूरी तरह से संपर्क काट लिया। आखिर में आशीष को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों थानों में दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस को शक है कि अभी ऐसे और भी शिकायतें दर्ज हो सकती है। यामध्ये फिर्यादी आशिष जितेंद्र जैन व 38 वर्ष राणा मस्कासात इतवारी यांचं जैन इंटरप्राइजेस नावाचं इन्स्टिट्यूट आहे इतवारीमध्ये, आणि त्यांनी सन 2014 ते 2018 काळामध्ये त्यांचे मित्र अभिषेक मानधनच्या मार्फतीने आरोपी देवेंद्र गोविंद गोयल यांच्यासोबत ओळख झाल्याने त्यांच्यासोबत विश्वास संपादन करून देवेंद्र गोविंद गोयल, रितेश गोविंद गोयल, निकिता देवेंद्र गोयल यांनी फिर्यादीला विश्वासात घेऊन सांगितले की आम्ही इंटरनॅशनल हॉटेल बुकिंग, इंटरनॅशनल फ्लाईट बुकिंग, ऑनलाईन सर्व्हिसिंग, तसेच एरोप्लेनचे तिकीट वगैरेचे बिझनेस करतो आणि तुम्ही याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केले तर आम्ही तुम्हाला त्याचा नफा देऊ। तसेच त्यांनी त्यांची श्री ट्रॅव्हल्स एजन्सी तसेच श्री हॉलिडेज ह्या फर्म असून आमच्याकडे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबईतून फॉरेनमधून आणलेले लोक शिल्लक असलेले पैसे मनी एक्सचेंज अंतर्गत कमी पैशात एक्सचेंज करतात आणि फॉरेनला जाणारे लोक ते जास्त पैशात घेतात, त्याकरता आम्हाला इन्व्हेस्टमेंटची आवश्यकता आहे असे प्रलोभन दाखवून फिर्यादी आशिष जैन यांना वेळोवेळी त्यांनी 2014 ते 2018 काळामध्ये त्यांच्याकडून 1,13,08,500 रुपये घेतले, परंतु त्यांना नफा न मिळाल्याने फिर्यादी यांना त्यांचा विश्वासघात झाल्याने त्यांनी विश्वास घेऊन त्यांनी फसवणूक झाली असे निष्कर्ष आल्याने त्यांनी पोलीस स्टेशन तहसील येथे रिपोर्ट दिली आहे आणि त्या रिपोर्टवरून आरोपी देवेंद्र गोयल, निकिता गोयल, रितेश गोयल आणि पायल सोमानी, सर्व राहणार गोविंद भवन गोकुळपेठ यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे। त्याच्यामध्ये आपण किती आरोपी अटक केला आहे काय सांगा? आजच तो गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि तपासामध्ये समोरची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल।